फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद जिया। आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। मैं जिया आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो, जो आपकी ब्यूटी को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाएगा, आपकी ब्यूटी में चार चांद लगाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ आज बहुत ही आसान सा सी रेमेडी, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही यूजफुल रेमेडी, जो आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं, जो झुर्रियां आ जाती हैं, जो एजिंग इफेक्ट अपने फेस पर नजर आता है, उसको आप आसानी से किस तरीके से घरेलू उपाय से दूर कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है, हर घर में अवेलेबल है और डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात कर रही हूँ वो है आपके फेस पर या हाथों पर जो फाइन लाइंस आ जाती हैं, जो उम्र की रेखाएं दिखाई देती हैं, उनके बारे में। उनको फ्रेंड्स दूर तो नहीं किया जा सकता कि हमें एजिंग इफेक्ट हमारे फेस पर कभी दिखाई नहीं देगा। फ्रेंड्स जरूर दिखाई देगा, एज बढ़ेगी तो इफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन उस इफेक्ट को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं और अपनी ब्यूटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इस आसान उपाय से। तो चलते हैं रेमेडी की ओर, किस तरीके से आपको ये रेमेडी बनानी है और किस तरीके से ये यूज करनी है। फाइन लाइंस जो होती हैं, वो एक तो उम्र बढ़ती है उसके कारण आती हैं। यह हमारी उम्र कई बार कम होती है, लेकिन आंखों के पास में, फोरहेड पर और इस जगह पर हमें फाइन लाइंस दिखाई देती हैं, और इधर आंखों के नीचे भी छोटी छोटी रेखाएं जाती है, फोरहेड पर हो जाती हैं, देती हैं और इस कोने पर दिखाई देती हैं, जो देखने में हमारी सुंदरता को बिगाड़ देती हैं और हमारा एजिंग इफेक्ट साफ दिखाई देता है। स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, नींद पूरी नहीं हो उसके कारण भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन होते हैं और एजिंग इफेक्ट तो होता ही होता है इसका मेन रीजन। तो फिर इस जो प्रॉब्लम को हम डिले कैसे कर सकते हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है तो अगर हमारे फाइन लाइंस आ गई हैं, और अगर हमारे और किन्हीं कारणों से जल्दी फाइन लाइंस आ गई हैं हमारे फेस पर, हमारे फॉरहेड पर, तो हमें उन्हें घरेलू उपचारों के द्वारा किस तरीके से उन्हें दूर कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें हम अपने फेस पर लाने से रोक सकते हैं। फाइन लाइंस को दूर करने के लिए, डिले करने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जो हर घर में अवेलेबल होगा और आप आसानी से इस रेमेडी को बना करके लगा सकते हैं। तो चलते हैं रेमेडी की ओर, किस तरीके से इसे बनाना है और किस तरीके से इसे लगाना है। मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच छोटा शहद। शहद में जो है एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, झुर्रियां आ जाती है, उसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर करने का काम करता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कोकोनट ऑयल। तो इसमें मैं एक चम्मच कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, ये देखिए एक चम्मच मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाल दिया है। जो भी आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैं ये पैराशूट का ले रही हूँ, ये मैं इसमें ऐड करा दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ये देखिए इसको हम बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, स्पून से ही मिक्स कर लेंगे, और इसे हम फेस वॉश करने के बाद फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके और इसे हम 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे, उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। ये बहुत ही आसान सी रेमेडी हमारी बन करके तैयार हो गई है, तो आप इसे यूज करेंगे तो आपको इसको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। जो आपके फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, जो स्किन डैमेज हो गई है, वो एकदम से आपकी क्लियर हो जाएगी और बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने लगेगी। तो इस तरीके से मैं दिखाऊंगी इसे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स हमें कोकोनट ऑयल लेना है, एक चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया इस तरीके से, और इसमें हमें कुछ बूंदे डालनी है कैस्टर ऑयल की, अरंडी का जो तेल होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल जिसे कहते हैं, इसकी मैं 2-3 बूंदे इसमें मिला लूंगी। ये देखिए इतनी मैंने 3 बूंदे ली हैं इसमें, और इस पे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगला जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, वो है टर्मरिक। थोड़ा सा मैं एक चुटकी टर्मरिक इसमें मिला रही हूँ। ये देखिए, जो भी आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप कस्तूरी हल्दी लेंगे, जो किचन में हल्दी है आप उसका यूज कर लेंगे। इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर लेंगे, ये देखिए आपने इसको अच्छे से इस तरीके से ब्लेंड कर लिया, और फिर उसके बाद इसे आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। अगर आप इसे रात को अप्लाई करके सोते हैं तो सुबह ठंडे पानी से धो लीजिएगा,
तो ये आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो आपके फेस पर किसी भी तरीके की झुर्रियां आई हैं, फाइन लाइंस आई हैं, उनको क्लियर करने का काम ये बहुत ही बखूबी कर। हल्दी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं। जो कैस्टर ऑयल है, ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। और जो नारियल तेल है, वो हमने इसमें कोकोनट ऑयल मिलाया है, वो जो फेस की दाग धब्बे हैं उनको हटाता है, मॉइस्चर देता है हमारी स्किन को, और जो हमारी स्किन पर एजिंग इफेक्ट आ गया है, फाइन लाइंस आ गई हैं, उनको मिटाने का काम बहुत ही अच्छे से करता है। तो ये बहुत ही इजी सी और बहुत ही अच्छी सी रेमेडी बन करके तैयार है। बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें हमारे घर में अवेलेबल होती है। आप इसे रात को लगाकर सो सकते हैं और सुबह वॉश कर सकते हैं, या फिर आप इसे आधा से 1 घंटे तक अप्लाई करके रखेंगे फेस वॉश करके, और उसे उसके बाद ठंडे पानी से धो लेंगे, तो देखेंगे कि आपकी जो स्किन है एकदम स्मूथ हो जाएगी, और जो दाग धब्बे हैं वो मिट जाएंगे, जो भी फाइन लाइंस है वो दूर हो जाएंगी। तो चलते हैं इसे अप्लाई करने की तरफ। दोनों रेमेडीज को हम अप्लाई करेंगे, अभी चलते हैं अप्लाई करने की तरफ। दोनों रेमेडी हमारी बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हैं। नारियल का तेल, शहद, अरंडी का तेल, ये सब चीजें हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं और आराम से हम इन्हें घर पर ही बना सकते हैं और लगा सकते हैं। कहीं आपको महंगे पार्लर्स में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप इससे ही जो ये आप घरेलू रेमेडीज आप यूज करेंगे, तो इसी से ही आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करना क्या है, फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद आपको ये रेमेडी अप्लाई करनी है, इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से आप लगा लेंगे। आप अपने नेक पर इसे अप्लाई करेंगे, अपने हाथों पर अगर आपकी झुर्रियां आ गई हैं तो इस तरीके से हाथों पर भी अप्लाई कर लेंगे। शहद जो बहुत होता है ना फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और नारियल का तेल में भी जो आपके दाग धब्बे सब हटा देगा। इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर लेंगे हाथों पर भी, और फिर इसको आप वॉश करेंगे। उसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है, उसके बाद आप या तो एलोवेरा जेल लगा लेंगे, या फिर आपका जो सनस्क्रीन है या नाइट क्रीम है, नाइट को यूज करते हैं तो नाइट क्रीम लगा लीजिए और इसको धोने के बाद, या फिर आप दिन में यूज करते हैं तो इसको धोने के बाद आप सनस्क्रीन लगाएंगे, या फिर आपके पास सनस्क्रीन आप यूज नहीं करते हैं SPF, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एलोवेरा जेल आप लगा लेंगे। जो आपके हाथों की झुर्रियां हैं ना, गले पे आ गई हैं, फेस पर आ गई हैं, उसकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है इस प्रॉब्लम को दूर करने में। तो फ्रेंड्स, नारियल का तेल आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं दोनों रेमेडी में, और हल्दी हर घर में अवेलेबल होती है, तो आप इस तरीके से जो दोनों में से कोई भी एक रेमेडी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जिस मैंने हल्दी वाला बताया है, ये रेमेडी भी अप्लाई करनी है, और उसको भी लगा करके आपको फिर उस ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। मैं आपको नैपकिन से, इसको नैपकिन है उससे मैं वाइप कर लूंगी इसको, और उसके बाद में एलोवेरा जेल, जो नारियल का तेल है वो हमारे स्किन पर मॉइस्चर करने का काम करता है, पूरी ड्राइनेस, और इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है फाइन लाइंस की, या काले दाग धब्बों की, या आपकी स्किन डल है, ड्राई है, एजिंग इफेक्ट है बहुत ज्यादा आपकी स्किन पर, या हाथों पर या नेक पर, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही टाइम तक आप इसे यूज करेंगे तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्किन पर कितना आपको ग्लो नजर आ रहा है, एकदम बहुत ज्यादा ब्राइटन स्किन आपको दिखाई दे रही है मेरे फेस की। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से यूजफुल रहा, कितना इफेक्टिव रहा, और नए जो मैं वीडियोस बनाऊं आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए। और लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो मेरे नए नोटिफिकेशंस हैं मेरे ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस के, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के, वो आप तक पहुंचते रहे और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नए टिप्स के साथ, नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।